अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थ्री, क्या कह रहा है वो आपसे। डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ यूजिंग द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट ओ ए ओवर ओ सी इज इक्वल टू ओ बी ओवर ओ डी। जरा देखिएगा, पहले ट्रेपेजियम ले लेते हैं भाई। ये है मान लीजिए हमारा ट्रेपेजियम, ठीक है, इसका नामकरण कर लेते हैं भाई। ये मान लीजिए है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। पैरेलल साइड्स कौन सी है, ए बी एंड सी डी। हाँ जी ठीक है। अच्छा वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे ए सी एंड बी डी क्या हैं, डायगोनल्स हैं। तो ए सी क्या है, डायगोनल, बी डी क्या है, डायगोनल, और ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं किस पर, ओ पर। किस पर इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब गिवन वगैरह लिख लेते हैं, फिर जो हमें शो करना है वो करेंगे। गिवन टू प्रूफ और फिर प्रूफ। देखो जरा, हाँ जी, अब हमें क्या शो करना है, AO ओवर OC इज इक्वल टू OB ओवर OD। इस चीज को करने के लिए मुझे थोड़ी सी करनी पड़ेगी क्या, कंस्ट्रक्शन। मैंने यहां पे एक लाइन इसके परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल क्या कर दी, ड्रॉ कर दी, ठीक है। देखो ये वाली साइड जो है वो ऑलरेडी इसके पैरेलल है, मैंने क्या किया, ये वाली लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल ड्रॉ करूंगा तो इसके अपने आप पैरेलल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, या फिर आप इसके पैरेलल ड्रॉ कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो यहां पे थोड़ी सी मुझे करनी पड़ेगी क्या, कंस्ट्रक्शन। क्या करनी पड़ेगी भाई, कंस्ट्रक्शन। चलिए पहले देखते हैं गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में। गिवन है आपको क्या, ए बी इज पैरेलल टू सी डी या डी सी, सॉरी बात एक ही है वैसे, ठीक है, डायगोनल लाइन, ठीक है। प्रूफ हमें क्या करना है, ओ ए ओवर ओ सी इज इक्वल टू ओ बी ओवर ओ डी, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन पे आ जाओ, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, इसका नाम क्या रख दें भाई, ओ पी रख दें, ठीक है। ड्रॉ करो ओ पी पैरेलल टू व्हाट, डी सी, डी सी के पैरेलल ड्रॉ करोगे, डी सी ऑलरेडी किसके पैरेलल है, ए बी के, तो आपस में ये तीनों ही साइड्स क्या आ गई, पैरेलल आ गई, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल, कौन सा वाला, ए डी सी। वैसे देखो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, हम क्राइटेरिया से करना है हमें, बेसिकली क्राइटेरिया से कर लेते हैं, मैं तो भूल गया, मैं बीपीटी से करा रहा था, कोई बात नहीं, कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं, हम बीपीटी से नहीं करेंगे, हम किससे करेंगे, क्राइटेरिया से, हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्राइटेरिया वाली एक्सरसाइज चल रही है ना, तो हमें क्राइटेरिया से ही करना पड़ेगा। चलो इधर देख लो जरा, सो बेसिकली मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को ले रहा हूं, अगर ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो जरा देखिएगा क्या होगा, सिंस, या वे सिंस ना लिखकर इन लिखो, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, मैं क्या लिख रहा हूं जरा देखिए, एंगल ए बी ओ, ए बी ओ किसके इक्वल होगा, सी डी ओ के, सी डी ओ के। रीजन क्या है भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है भाई। दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी एंड व्हाट, सी ओ डी, सी ओ डी। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आप पूरा लिखना भाई, शॉर्ट में मत लिखना, जब भी एग्जाम या यूटीज वगैरह है, वैसे प्रैक्टिस के टाइम पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम के टाइम में
पूरा लिखना, तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, ट्राइंगल्स क्या आ गए सिमिलर, और अगर सिमिलर आ गए देन क्या होगा, इनकी साइड्स क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, देखो जो ए ओ या ओ ए जो है, ओ ए ये किसके डिवाइड में आएगा, ओ सी के, और जो ओ बी है उसके डिवाइड में क्या आएगा, ओ डी। क्या बात समझ में आ रही है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इजी सा क्वेश्चन है, नोट कीजिए इसको फटाफट।